ये डब्बा दिख रहा है आपको, कोई छेद नहीं है, कोई छेद नहीं है ना। ओ भाई देख रहे हो गाइस, यहाँ से आर पार, दोनों तरफ से आर पार हो गया। हाँ। ये देखो गाइस, ओ भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम आदित्य चौधरी। गाइस आज टाटा और थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज की वीडियो किस रिगार्डिंग में। तो आज की वीडियो बेसिकली मैं जा रहा हूँ भाई चांदनी चौक, और चांदनी चौक में भाई पता भाई भाई नेक्स्ट टू ओरिजिनल लेवल के भाई पिस्टल मिल रहे हैं, गन मिल रहे हैं, राइफल मिल रहे हैं भाई। मैं तो भाई क्या ही बोलूँ, तो सीधा भाई मेरे मतलब भाई जाना तो मेरा बनता ही है, और भाई आप लोगों को दिखाना तो बनता ही है। तो चलते हैं वहाँ पे, और सबसे पहले दिखाने से पहले देखो मैं कहाँ पे सो रही है। ये देखो कौन है, यह है गिन्नी। गिन्नी गिन्नी क्या कर रही बच्ची, गिन्नी देखो मजे से सो रही है। आ गई ठंडी आ गई, जैसे मतलब पहले तो भाई बिस्तर में मतलब जमीन पे सो जाती थी, अब ठंडी आ गई तो बिस्तर में सोती रहती है, बिस्तर में सोती है ना ठंडे को जैसे। और तो गाइस पता है देखो अभी सेटिंग टाइम था, जैसे आपके आपको पता होगा विंटर में मतलब सेटिंग होती है पूरी, देखो इसके जगह पूरी सेटिंग हो गई है पूरी भाई। गोल्डन रिट्रीवर से ना गोल्डन रिट्रीवर से लैब्रा रिट्रीवर बन चुकी है पूरी, मतलब सेटिंग हो चुकी है। और मैंने मतलब ट्रेन भी करे थे, उस वजह से भी शायद बहुत हद तक बाल बिल्कुल टूट ही गए हैं। तो कोई नहीं, आ जाएंगे एक दो सालों में बाल आ जाएंगे। तो गाइस चलते हैं वहाँ पे चांदनी चौक में, और चांदनी चौक में मिलता हूँ क्योंकि ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बोर हो जाओगे आप भी और मैं भी, बताते हैं चलते हैं वहीं पे मिलते हैं। तो गाइस आज मैं आया हूँ चांदनी चौक, और चांदनी चौक में भाई मैं बताने की क्या जरूरत है भाई, ये देखो कितनी सारी चीज़ें रखी हुई है। और भाई यहाँ पे देखो पिस्टल, एयर पिस्टल रखी हुई है यहाँ पे सारी, मतलब भाई जितने भी गन है ना यहाँ पे सारे, मतलब भाई ये नॉन लाइसेंस रिक्वायर्ड है। और ये देखो मतलब पूरी ऊपर से, तो मैं एक एक चीज़ बताऊँगा भाई से, मतलब कैसी किस काम में आती है और किस काम में नहीं आती है, और यहाँ पे मतलब भाई किस ये यूज की जाती है, सारी चीज़ें भाई से पूछते हो जाएंगे, और रेट भी पूछेंगे, और दिखाऊँगा भी मतलब एक एक चीज़ आपसे। तो भाई तो गाइस मैं भाई से मिलवाने वाला हूँ, भाई का नाम है तनुज। और भाई कैसे हो भाई, तो कौन कौन से गन है आपके पास वैसे? हमारे पास ज्यादातर वैसे सारी एयर गन है, छर्रे वाली, ये छर्रा डलता है 0.177 का। मेले में बच्चे गुब्बारे फोड़ते हैं, निशानेबाजी सीखते हैं, टारगेट शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, सबका थोड़ा काम आ जाता है, घर पर जाने के काम भी आते हैं। लाइटर गन है, लाइटर गन मतलब होता है ट्रिगर दबाओ तो आग निकलेगी सिगरेट पीने के लिए, कुछ मतलब गोली वोली कुछ भी डलेगा ना, छर डलेगा ना, असली डलेगा। तो लाइटर है अपना 1100-2000 और रेट बढ़ते घटते रहते हैं, तो उसके लिए कुछ हम कह नहीं सकते, हमारे पास सबके लिए रेट लिखा हुआ है। या पहली बार आ रहे हो, चाहे दूसरी बार आ रहे हो, चाहे फॉरनर आ रहा है, चाहे इंडियन आ रहा है, सबके लिए रेट सेम ही है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा ना फॉरनर के लिए भाई ज्यादा हो जाए, तभी रेट लिख रहा है 4500 का लिख रखा है, तो आया उसको बता दे 4500 आ गया। ये देखो गाइस, देखो यहाँ पे देखोगे ना तो प्राइस देखो सबके रेट मिल जाएंगे आपको 8000 रुपए, 7500 रुपए। और ये एयर गन है, एयर पिस्टल है, तो इसमें भी गाइस देखो रेट लिखे हुए हैं। बेसिक की शुरुआत आपकी 750 रुपए से होती है। अच्छा 750 रुपए से स्टार्ट होती है, तो भाई दिखाओगे एक 50-50 रुपए पड़ते रहेगा, और आगे करके 3000 रुपए तक है। अच्छा मैक्सिमम जितना आपको बजट उतने का ले सकते हो। अच्छा रेंज बढ़ती रहती है, रेंज बढ़ती रहती है, तो शुरुआत है 750 रुपए से। गाइस शुरुआत भाई वजन देखो काफी गाइस अच्छा खासा वजन है, मेरे ख्याल से 700 ग्राम के करीब होगा। छोड़ दूं देखो कुछ नहीं हुआ, पूरी लोहे की है बस, पूरी मतलब लोहे की है। मारो नीचे ले जाओ, यहाँ छर डलेगा एक बार में, एक डलेगा ठीक है, और टारगेट सेट करो। खाली है, ओ भाई देख रहे हो, बहुत धमाका नहीं है लेकिन हाँ आवाज है थोड़ी सी, हाँ आवाज थोड़ा अच्छी चीज है, पूरी मेटल की है, पावरफुल है, 10 मीटर रेंज है यहाँ से लेके दीवार तक, रेंजेस की 10 मीटर। ओके बाकी छर डलता है 0.177 का, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, जैसे ये बढ़ती रहेगी 750 की है। तो भाई जैसे छर इसमें अभी आपने आवाज दिखाई, तो मतलब छर लगने के बाद थोड़ी सी साउंड बढ़ जाएगी ना, घट जाएगी। अच्छा घट जाएगी, 2400 रुपए की बढ़िया है, मार्क वन बोलते हैं मैन का, उसकी आवाज ओ भाई तेज़ और आवाज के लिए कॉर्ड भी आता है, वो आगे लग जाता है छर्रा पीछे लगता है कॉर्ड पे धमाका होता है। लुक पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा लुक चाहिए, बिल्कुल गाइस यहां पे देखो मतलब पूरे देखो यहां पे 3000 लगी हुई नहीं है, पूरी और लगानी है, और लगाने हैं भाई देखो बेसिक पिस्टल 750 रुपए वाला जो लोहे का दिखाया था, 750 रुपए का सबसे कम, हाथ मारा नीचे करा ये डलेगा छर्रा यहाँ पे, और इसकी पावर देखनी है तो ये डब्बा दिख रहा है आपको, कोई छेद नहीं है, कोई छेद नहीं है ना। भाई देख रहे हो गाइस यहाँ से आर पार, दोनों तरफ से आर पार हो गया, दोनों तरफ से आर पार, 750 वाले की इतनी पावर है, धीरे धीरे रेंज बढ़ती रहती है गाइस। मतलब भाई भाई ने छर्रा मारा, और छर्रा मारते ही साथ ही मतलब पूरा भाई छर्रे को मतलब गत्ते को आर पार कर दिया। हाँ, ये सारी है, देखो ये आई है नहीं, ये नहीं आई है।
तो भाई ये मतलब कौन सी गन होती है, शॉर्ट गन होती है? सारी को एयर गन बोलते हैं। सारी एयर गन को एयर पिस्टल, अच्छा वाली को एयर गन राइफल बोलते हैं, जिसमें राइफल नहीं, मतलब पबजी में भाई इतनी इंडिया में बनाना अलाउड भी नहीं है, इतनी ज्यादा असली है। ओके, बच्चों की जो मेले में गुब्बारे फोड़वाते हैं। हाँ, मेले में मेले वाले जहाँ पर फोड़ोगे, हाँ साल की होती है बच्चों, ज्यादा पावर 30 मीटर रेंज, 30 मीटर रेंज, 5000 रुपए से लगभग 60-70-80-90-100 मीटर तक है। अच्छा, 100 मीटर तक है। ये देखो, ये देखने में सिर्फ हाँ बिल्कुल ओके। आप खुद बनाते हो? नहीं, ये सारी कलकत्ता। अच्छा, मतलब खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है आपकी? ओ भाई, ये तो भाई बिल्कुल पबजी जैसी है। आप बताना नाम, मतलब पबजी में बिल्कुल पैंथर बोलते हैं। अच्छा, पैंथर। ओ भाई, देख रहे हो, बिल्कुल बहुत पावरफुल है, 50 मीटर करीब रेंज है और पूरा निशान लगाने चाहिए, टारगेट सेट करो। और इसमें ये भी है कि 3 नट अगर निकाल दोगे, हाँ जी, तो छोटा पिस्टल बन जाएगा, छोटा पिस्टल बन जाएगा, बड़ा इतना बन जाएगा, मतलब है ना, इतना मेटल निकल जाएगा, ये मेटल निकल जाएगा। तो इसका प्राइस क्या होगा भाई अपने? 4500 रुपए की। दो वेरायटी है, ओके ओके, मतलब ये दोनों वेरायटी मिल जाएगी 6250 रुपए, लेकिन इसकी कमी है कच्चे लोहे की बनी हुई, गिर गई तो टूट जाएगी, टूट जाएगी। शोबाजी के लिए बस खींचा, धक्का दिया और चला दिया, और यहाँ पे एक बार में छर्रा 18 बॉल लग जाएगी, लेकिन हर बार खींचना और धक्का देना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। अच्छा, बाकी ज्यादातर लोगों से मेरी यही अपील है कि वीडियो देख लेते हैं, कुछ भी मांग रहे होते हैं, असली कट्टा फुट्टा ये जो हमारे पास कुछ भी वो नहीं होती, मतलब जो जो छर्रे वाली होती है, सेंसिबल चीज, आप रेट देख लो वीडियो पॉज करके, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना और भाई से मतलब भाई पूछ लेना कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। यूट्यूब पर सर्च मारोगे चांदनी चौक एयर गन, चांदनी चौक गन हाउस लिख के, तो हमारी वीडियो आएगी, बहुत सारी वीडियो आएगी। ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं अपनी क्या है क्या नहीं है, सारी छर्रे वाली है विदाउट लाइसेंस, मतलब दो गाइस यहाँ पे भी लिखा हुआ है लेके जाना अलाउड नहीं है, बाकी जहाँ मर्जी ले सकते हो। अगर हमें बोलोगे हम आपको कोरियर भी करवा देंगे, कोरियर के चार्ज एक्स्ट्रा छोटे के 150-200 रुपए पड़ेंगे, 300-400 रुपए करीब लग जाते हैं, आपको घर बैठे कोरियर मिल जाएगी। बाकी अगर ट्रस्ट नहीं है कोरियर का, तो फिर सीधा चांदनी चौक बाहर दिखा दो, मेन रोड पे दुकान है, यहाँ पे मतलब ज्यादा दूर भी नहीं है, यहाँ पे देखो आप लाल किले के सामने वाली रोड पे है, रोड गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा बगल में गुरुद्वारा। एक चीज और दिखा देता हूँ, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये है लाइटर गन, सिगरेट जलाने का लाइटर है ये, 1050 का, अभी हो सकता है बढ़ जाए, आग निकलेगी, सिगरेट की निकलेगी, देखो आग निकल रही है हल्की सी, ये देखो नेक्स्ट टू ओरिजिनल जैसी लग रही है भाई ये, लेकिन है सिर्फ लाइटर ही, लाइटर बजट में इसका है लगभग 400 ग्राम के आसपास। हां गाइस देखो, लेकिन भाई नेक्स्ट टू ओरिजिनल लग रही है। ओ भाई, इसी में और थोड़ी बहुत वैरायटी आती है, आती जाती रहती है, रिवॉल्वर वाला आता रहा, खत्म हो गया, अभी ये आ रहा है 1150 का, ये 1150 का थोड़ा और ज्यादा है, वो और ज्यादा खिस्ता नहीं है, ये खिस्ता नहीं है, और इसका वेट भी सेम ही है ना, मतलब लगभग थोड़ा सा ज्यादा है, 500 ग्राम होगा पिस्टल और 100 रुपए। तो भाई अब दिखाने वाले हैं भाई, कौन सी गन दिखाने वाले भाई? पूरी बड़ी वाली राइफल होती है, बड़ी वाली राइफल दिखाने वाले हैं, सारे मॉडल लगे हैं, देखो ये देखो भाई, अलग अलग है। अब ऑर्डर पे अगर कोई कर रहा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हर बार ना खत्म होते रहते हैं, अच्छा। कभी माल खत्म हो गया, हाँ। पूरी ब्लैक आती थी वो खत्म हो चुकी है, अभी ये देखो ये नहीं है, ये बड़ी अच्छी चल रही है, जो डायनागर होती थी ना उसकी उसकी जैसा बट बना रखा है लकड़ी, बहुत अच्छी मैट फिनिश है, मैट फिनिश है, वाल लटकी है, अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, होता है नॉर्मली, एक हाथ मारा, यहाँ पकड़ा, यहाँ पकड़ा, नीचे ले गए, लोड हो गया, लोड हो गई, छर्रा डालना है, यहाँ पे छर्रा डालना है, निशाने के सीखने के लिए, शुरुआत के लिए बिल्कुल, धीरे धीरे फिर आप हमने अच्छी गन ले सकते हो, उसके बाद और बहुत तरीके की है, डबल बैरल बना रखी है टाइप की, लेकिन एक ही छर्रा डालेगा एक बार में, ये अंडर लेवल बना रखी है, सिल्वर बैरल है, ऐसी है, दे रखे हैं, फिसल रखने की जगह है, धीरे धीरे पूरी काली है, पहले आती सफारी करके आती थी, अब सफारी में थोड़ा सा अच्छी जा रही है, पूरी काली और सिल्वर है, बहुत अच्छी लगती है सजाने के लिए। हाँ गाइस, वही हाथ मारो, नीचे ले जाओ। ओ भाई, इसमें तगड़ी आवाज थी, इसकी आवाज बढ़िया थी, बहुत से धमाके वाला धुआं हुई है, लेकिन हाँ धुआं है, धुआं है, देखो गाइस यहाँ पे देखो धुआं है हल्का सा, ओ देखो गाइस ये चलाते नहीं, हाँ। ये देखो कैसे, ओ भाई देखो, धुआं वाला पूरा एकदम आग जैसा धुआं नहीं है, लेकिन हाँ धुआं है, देखो दिखेगा, ये नहीं है लोग उम्मीद लेके आ जाते हैं, असली जैसा गोली चल रही है, धुआं निकल रहा है, दबा दबा ऐसा कुछ, उम्मीद लेके मत आना यहाँ पे, सिर्फ छर्रे वाली है, बच्चे मेले में गुब्बारे फोड़ते हैं, निशाने में सीखते हैं,
मतलब ऐसे लेके घूम सकते हैं पब्लिकली लेके घूमना ना ये गन तो छोड़ो कोई भी गन अलाउड नहीं होता। अगर आप किसी को डरा रहे हो धमका रहे हो मान लो अगर आप ये गन मेट्रो में लेके जाओगे ना वो आपको मना कर देंगे मेट्रो में अलाउड नहीं है। okay. किसी और चीज में ले जाओ अगर आप गलत चीज मेट्रो में लेके जाओगे वो आपको पकड़ लेंगे। okay. गलत चीज नहीं है, है तो जेन्युइन चीज लेकिन इसका इस्तेमाल गलत कर रहे हो आप इसको लेके किसी को डरा रहे हो चढ़ा रहे हो नुकसान पहुंचा रहे हो चोट लग जाए बिल्कुल भाई जैसे मतलब ये छर रहे हैं ये तो हार्मफुल तो होंगे थोड़े बहुत मतलब थोड़ी बहुत चोट तो हर चीज से लगती है। प्लास्टिक की जो पहले पीली मोती वाली आती है वो भी लगती थी लेकिन बनी किस चीज उसके लिए डिपेंड करता है। चाकू लेके सब्जी काट रहे हो कुछ नहीं कहेगा कि तुम मार दोगे पकड़ेगी बिल्कुल सही बात है ठीक है। तो गाइस आपने देखा मतलब भाई एक एक चीज मैंने मतलब दिखाई भाई ने मतलब प्रॉपर भाई साउंड निकाल के दिखाया मतलब भाई कैसी लग रही थी। मुझे तो भाई मन कर रहा है कि एक मतलब एक आध मतलब एयर पिस्टल लेके जाऊं और घर वाले को मैं प्रैंक करूं। तो भाई ये चीज आप कमेंट करके बता देना मतलब भाई कैसी चीज लग रही है। अगर करना हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताना तो भाई वही प्रैंक आ जाएगा। और गाइस ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।